धर्म संकट में विधानसभा अध्यक्ष, अब स्पीकर पठानिया के समर्थन में आया विपक्ष, शून्यकाल पर नई सियासी चाल, सरकार ने ही स्पीकर के फैसले पर उठाए सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। सुक्खू सरकार के संकट मोचक विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अपने ही फैसले पर घिरते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस फैसले पर उनकी ही सरकार स्पीकर से सहमत नहीं दिख रही है और दूसरी तरफ अब विपक्ष यानी भाजपा स्पीकर पठानिया के साथ खड़ा होता दिख रहा है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष आज विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही खड़ा हो गया है। दरअसल स्पीकर पठानिया ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में शून्यकाल चलाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस शून्यकाल को लेकर ही सरकार में सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से विधानसभा में शून्यकाल शुरू भी नहीं हो पाया। बुधवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू करने को लेकर सामने आए विषय पर कहा कि सरकार अभी इसको लेकर तैयार नहीं है। इसकी शुरुआत सरकारी स्तर पर मंत्रिमंडल सहयोगियों और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद की जा सकती है। ऐसे में जब तक इसके लिए SOP तैयार नहीं की जाती, तब तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर से कार्य का संचालन किया जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने तो यहाँ तक कह दिया कि शून्यकाल को अगले सत्र या फिर बजट सत्र से शुरू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आगे बोले, लोकतंत्र में विधानसभा, न्यायपालिका और सरकार की अपनी गरिमा होती है। अगर संसद के अनुसार शून्यकाल शुरू होता है तो उठाए जाने वाले विषय का उत्तर 1 महीने बाद मिलता है। माननीय अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दी, पार्लियामेंट मिनिस्टर ने उसकी एक और सुचारू रूप से आगे बढ़ने की बात की। उन्होंने अध्यक्ष के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी और ये कहना कि ये चुनौती है, ठीक है। आपने कल कहा कि 0 आवर का होना चाहिए, पार्लियामेंट में जो 0 आवर होता है उसमें आप पूछते और 1 महीने बाद रिप्लाई आता है। पार्लियामेंट में जो 0 आवर होता है उसमें आप पूछोगे और 1 महीने बाद आपका रिप्लाई आएगा। तो अगर ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय ने दी है तो इसके कुछ SOP बनाने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर की तरह हम आपको रिप्लाई देंगे। हम अगर इसका रिप्लाई आएगा तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि भविष्य में लागू करने से पहले एक बार हम आपके साथ बैठक करके, और जब से आप लागू करना चाहते हैं उसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आने वाले जो सेशन होंगे, क्योंकि अभी 3-4 दिन रह गया, हम एक बार बैठक करके कैसे लागू होनी चाहिए उस व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे चलाएंगे। ऐसा ना होना कि आप पूछते रहे और हम कुछ देते ना रहे सरकार। इसलिए इस चीज़ को जो अध्यक्ष महोदय ने फैसला दिया है, हमारी सरकार उसका स्वागत करती है। SOP क्या करना है, SOP क्या करना है वो भविष्य में जब अगला सेशन आएगा या बजट सेशन आएगा मैं हम उनसे बैठकर चर्चा करेंगे, और आप 0 आवर की व्यवस्था को लागू करने में कोई परहेज थोड़ी है। उधर सरकार के शून्यकाल वाले बयान पर विपक्ष हमलावर है और स्पीकर पठानिया के समर्थन में उतरता दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि विपक्ष शून्यकाल शुरू करने के फैसले पर अध्यक्ष के साथ खड़ा है, लेकिन सत्ता पक्ष इससे खुश नहीं है। जयराम ने कहा है कि अब ये तय किया जाना चाहिए कि शून्यकाल का क्या स्वरूप होगा और इसे जल्दी लागू भी किया जाना चाहिए। जो मॉडलिटीज जो तय करनी है उसके लिए एक व्यवस्था आप तय कर लें, फॉर्मेलिटीज, इसका स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार से इसका आने वाले समय में होगा। लेकिन हमारा पूरा विपक्ष जो है इसके समर्थन में है और ये होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इसके स्तर में जो है वो जो आप फैसला करेंगे मुझे लगता है उसका लाभ रहेगा, कि बहुत सारे मुद्दे जो जनहित के होते हैं, नियमों के प्रावधान में जब हम नोटिस देते हैं, आपकी एक लिमिटेशन है सभी को बिजनेस में शामिल करना, वो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उस सूरत में यहीं पर ही हम जल्दी से उसको अपनी ओर से उठा करके अपनी बात कहने का, लोकहित का जो मामला है उसको उठाएं। और जो मंत्री हैं अगर उसी वक्त जवाब देने की स्थिति में होते हैं, कई बार दे भी देते हैं, कई बार उस स्थिति में होते हैं कि बाद में उसकी सूचना एकत्रित करके पूरी जानकारी हासिल करने के बाद देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष बहुत खुश नहीं है इस बात को लेकर।
जो मंत्री जी की ओर से जो है वो जो स्टेटमेंट जो बात यहां पर आ रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज पूछेंगे जिसके कारण बहुत कोई पूछते ही नहीं। हम तो वही पूछेंगे जो जनहित की होगी। उधर इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी शून्यकाल की व्यवस्था को लेकर अपना पक्ष रखा, जिसके बाद भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने संसदीय कार्य मंत्री के पक्ष पर आपत्ति जताई और उन्होंने शून्यकाल की अवधि संसद की तरह एक घंटे करने की मांग की। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सराहनीय और ऐतिहासिक बताया है। मंत्री नेगी ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था 10 प्रदेशों में भी है। उन्होंने कहा संसद में सदस्य संख्या अधिक है, जिस कारण वहां शून्यकाल एक घंटे का है। ऐसे में विधानसभा में सदस्य संख्या कम होने के कारण इसे आधे घंटे का करना ही उचित होगा। इसके लिए संसद की तरफ से तैयार की गई SOP को आधार बनाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके इस फैसले का स्वागत करता हूं। जब हम उस तरफ थे और जब माननीय जयराम जी इधर थे, उस समय भी हम मांग करते थे, आज परमार साहब आए नहीं, तो आज आपने बहुत एक ऐतिहासिक फैसला 0 आवर को करके किया है। और इससे पहले जो है यहाँ एक गलत परंपरा थी कि हम जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सारे लोक हित के मुद्दों को लाते थे, जो कि उस रूल के तहत नहीं ला सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का प्रश्न है, जो इसके नियम हैं हम बनाए हुए, उसके इंटरप्रिटेशन में अगर कहीं कोई ऊपर नीचे तो उसके लिए उठाने का होता है। तो अब ये एक जो हमेशा हम झगड़ते रहते थे, अब हमें एक अधिकार मिल गया है कि हम इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ज़रिए लोकहित के कोई भी बात को, जिस तरह से हमारे करीब करीब 10 अभी जो है हमारे जो प्रदेशों में जो असेंबलीज हैं वहाँ 0 आवर है, हमारे लोकसभा में है, इसके SOP ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि हम जो भी ज़्यादातर रूल्स बने हमने लोकसभा से ही उसको लिया है। तो इसमें एक घंटे का नहीं है, 30 मिनट चाहिए। ये ठीक कहा हमारे डिप्टी CM साहब ने कि हमारे 68 लोग हैं, अब वहाँ 545 से ऊपर के लोग हैं, तो यहाँ 30 मिनट बहुत है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कुलदीप सिंह पठानिया का कहना है कि विधानसभा में शून्यकाल शुरू होगा, इस दौरान अति महत्वपूर्ण उन विषयों को उठाया जा सकेगा जिसकी अध्यक्ष की तरफ से विषय की गंभीरता के अनुसार अनुमति मिलेगी। इसके लिए सदस्यों को 2 से 3 मिनट में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सदन में उठाए जाने वाले विषय पर मुख्यमंत्री या फिर उनके मंत्रिमंडल सहयोगी अगर चाहे तो उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो इसका बाद में उत्तर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। स्पीकर पठानिया ने आगे कहा कि ई विधान के क्षेत्र में हिमाचल विधानसभा का उल्लेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, ऐसे में हम नई व्यवस्था को शुरू करने में पीछे नहीं हट सकते। इसके लिए SOP बनेगी और उससे पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदस्यों को विषय उठाने की अनुमति भी मिलती रहेगी। 0 आवर से अभिप्राय तो माननीय जगत सिंह नेगी जी ने स्पष्ट कर दिया, ऐसा समय जब जनहित के मुद्दे माननीय सदन के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठें वही 0 आवर है। और 0 आवर में जो विषय उठेंगे वो अर्जेंट इम्पोर्टेंस के होंगे, जो नियमों के तहत लिस्ट ना हो पाए या किसी न किसी वजह से वो विषय जो है माननीय सदन के ध्यान में ना आए, तो ऐसे विषय को 0 आवर के माध्यम से वो माननीय सदस्य उठा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में सियासी चाल बदलती दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने ही विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दे रही है और दूसरी ओर विपक्ष यानी भाजपा स्पीकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि स्पीकर की नई व्यवस्था को सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहती। सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे सरकार की कोई और राजनीतिक चाल छिपी है, और जिस तरह से विपक्ष अब इस मामले में स्पीकर के साथ खड़ा होता दिख रहा है, ऐसे में सवाल ये भी है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष
आज किस रणनीति के तहत स्पीकर पठानिया का समर्थन करता दिख रहा है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।